अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बाबा जी, मुझे मजबूरी में खीर को हाथ लगाना पड़ता है परिवार की इज्जत बचाने के लिए। खीर कहां से ले आई? इसका मतलब दूध फटा नहीं? दूध कहां से फटेगा? फटी तुम्हारी किस्मत भी है। क्या ये खीर तुमने बनाई है? जी गुरु महाराज जी, मैंने ही बनाई है। झूठ? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ बुआ जी। मैंने जो भी किया ना, राजरानी जी को बचाने के लिए किया। पता नहीं किसने खीर में मिश्री की जगह फिटकरी डाल दी थी। पूरी की पूरी खीर फट गई थी बुआ जी, मेरे पे यकीन करो। मेरे पे यकीन नहीं हो रहा ना, तो खुद देख लो। चलो बुआ जी, देखो देखो देखो, पूरी की पूरी खीर फट गई थी। अगर मैं नई खीर नहीं बनाती तो ढिल्लों परिवार की कितनी बेइज्जती हो जानी थी। मैं जीते जी इस खीर का स्वाद कभी नहीं भूल सकता। मैं तो क्या, इस पिंड का बच्चा बच्चा खीर को चख के कहेगा कि ये खीर किसी और ने नहीं बल्कि हमारी दाल चीनी ने बनाई है। आज के इस पावन अवसर पर इस तरह झूठ बोल के इस औरत ने ना सिर्फ मेरा बल्कि रब का अपमान किया है। और इसकी वजह से मैं एक मिनट भी यहां नहीं रुक सकता। गुरुजी, गुरुजी, आप ऐसे नाराज मत होइए। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने खुद अपने हाथों से ये खीर बनाई है, आप मेरा विश्वास कीजिए। और मैं भी उस बच्ची के हाथ का बना हुआ प्रसाद और उसका स्वाद कभी नहीं भूल सकता। रब दी मेहर है तेरे हाथों में, जिस तरह तू तेरे खाने में दालचीनी का इस्तेमाल करती है ना, मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। अरे उसके हाथ के जादू की वजह से, उसके स्वाद की वजह से ही तो हमी ने उसका नाम रखा है दालचीनी। खीर में कौन दालचीनी डालता है? मैडम जी, तुसी डाल के तो देखो, जादू है दालचीनी में जादू। नहीं मान रही हो तो जाओ, जाओ खुद तुम चक्कर कहो कि क्या ये खीर तुमने बनाई है, और सच बोलना। से पहले कम तुम रात में
पंत जी को तो पूछ लेती। अरे गई थी बुआ जी बताने के लिए, पर बकरी की रस्म चल रही थी तो मैं बीच में कैसे टोक सकती थी। बस चुप कर जा, ज्यादा शानी बढ़ने की तेरे को कोई लोड़ नहीं है। झूठ बोलना तेरे खून में है, लेकिन तेरे इस मक्कारी की कीमत हमारे परिवार को चुकानी पड़ेगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो मैं खुद अपने हाथों से तुझे घर की चाबियां सौंप दूंगी। अगर मैंने ये गलती मान ली तो मुझे जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। इस बात को यहीं रफा दफा करना होगा। मैंने आपसे कहा था ना गुरुजी, ये खीर मैंने ही बनाई है। तो क्या आप यह कहना चाहते हो कि गुरु महाराज जी गलत है? गुरुजी का यह अपमान हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे वो तो इनकी सास बीमार है, इसीलिए राज रानी बहन जी को आज सेवा करने का मौका मिला, लेकिन नहीं, इन्होंने तो इस पवित्र मौके पर भी धूप दिया। जो लोग गुरु महाराज जी की इज्जत नहीं करते उनको पगड़ी पहनने का कोई हक नहीं है। उतार दो परम जी की पगड़ी। किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया? परम जी की पगड़ी को यहाँ पर कोई हाथ नहीं लगाएगा। गुरु जी, ये खीर मैंने अपने हाथों से बनाई है। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना? ठीक है, संतोष मेरे साथ वहां पर रसोई में थी, मैं उसे बुला कर लाती हूँ, वो बताएगी। सबूत मांग रही है राज रानी जी, तो एक काम करते हैं, दालचीनी को इसी समय यहाँ बुलाया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कान खोल के सुन ले, अगर राजरानी बहन जी को पता चल गया ना कि ये खीर तेरी बनाई हुई है और उनकी बनाई हुई नहीं है, उनके फैक्ट्री का टिफिन का कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से चला जाएगा। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, तेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लूंगी मैं। बहन जी, बहन जी, बहन जी, ये जुलम ना करो, रुक जाओ बहन जी, चलो। दालचीनी ने ना आपकी इज्जत रखने के लिए खीर बनाई थी, ये देखो बहन जी, ये देखो आपकी बनाई है कि फट गई थी, सर्विस कार की इज्जत बचाने के लिए उसने ऐसा किया है, वरना बिल्कुल ना करती वो ऐसा। मैं सच कह रही हूँ मैडम जी, मैंने खुद मिश्री पीस रखी थी, मैंने नहीं पता कि आपकी खीर फट कैसे गई। अगर राज रजनी झूठ बोल रही है तो परम जी की पगड़ी इसी समय उतारी जाए। उतारी जाए पगड़ी, अगर झूठ बोला जा रहा है तो। खबरदार, अगर किसी ने पगड़ी को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो। गुरु जी, अगर आपको कोई शक है तो हम किचन में चलकर देखते हैं, मैं अभी सच जानना चाहता हूँ। मैं तेरी जैसी कुड़ियों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ, बड़े लोगों को छोटा दिखाकर अपना रुतबा बढ़ाने की कोशिश करती है। मैं तेरा वो हश्र करूंगी कि तू जिंदगी भर अपनी औकात नहीं भूलेगी। मैडम जी, आप आज तो तू बच गई क्योंकि मैंने तेरी शक्ल नहीं देखी, वरना पाताल से निकाल कर तुझे सजा देती। दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा। और सुन, याद रखियो, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि दालचीनी नाम की लड़की यहाँ पर आई थी। जब तक मेरे पूरे पैसे नहीं मिल जाते तब तक ये तेरे घर की चाबी मेरी। चली जाऊंगी लड़ू जी, पर मेरे काम के पैसे तो दे दो। मैं बहुत मुसीबत में हूँ मैडम जी, गुंडे मेरे घर की चाबी ले गए मैडम जी, आज शाम तक ना कुछ भी कर कर मुझे पैसे लौटाने हैं। छोटी सी छोटी मदद मेरे लिए बहुत मायने करती है। मदद? तू इसको लेकर आई थी मेरी मदद करने के लिए? कौन सी मदद की है तूने? जिंदगी में पहली बार
राजरानी ढिल्लों पर किसी ने उंगली उठाई है। चल निकल यहां से, वैसे मांगते हुए शर्म नहीं आती है तुझे? ऐसा ना करो मैडम जी, अगर आज पैसे नहीं दिए ना तो मैं और मेरी बहन सड़क पे आ जाएंगे। हाथ जोड़ती हूँ मैडम जी, पैसे दे दो मैडम जी। क्या हुआ, इतनी देर क्यों लगा दी बाहर आने में? वो लाइट चली गई थी, मिश्री गिर गई थी, इसी के टाइमिंग के। तो आपको विश्वास हो गया ना गुरु जी कि खीर मैंने ही बनाई है? देख लो कोई नहीं है और यहाँ पर। तुम जितना भी कह लो, खीर तो दाल चीनी ने ही बनाई है। आपकी आज्ञा हो तो मैं लोगों में प्रसाद बंटवा दूं। ओए कुड़िये, मर जाइए यहाँ से, कहीं नहीं देख लेगा तो क्या कहेगा, निकल यहाँ से तू। हाँ बाबू जी चली जाऊंगी, पर मैडम जी ने ना 2,000 रुपए दिए है ना, अब बाकी के 8,000 रुपए दे देना, मैं घर छुड़वा लूं। और कान खोल के सुन ले कुड़िए, मैंने पहले ही तेरे को बोला था, अगर मेरे को टिफिन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तब तेरे को पैसे दूंगी। और अब जो तूने हरकत की है ना, इस हरकत से तेरे को लगता है कि राज बहन जी हमको कॉन्ट्रैक्ट देंगे? बाजी कुछ कर दो ना बुआ जी, बुआ जी मत करो ना इसे। छल छबिली बोल कहाँ से आई, काहे को मेरे दिल का दरवाजा खटखटाई, तेरी जालिम नजर दिल पे ढाए कहर, बच के रहना ये जालिम। दीदी आप कहाँ, जल्दी आ जाओ यहाँ पर, पापा से शराब के पैसे मांग रहे हो और आपको पता है मेरे पास एक रुपया भी नहीं है, आप जल्दी आ जाओ ना, लोग को पैसे दे दो, लोग बहुत ही बदतमीज। अपने बाप से अच्छा था तू नाचती है, थोड़ा लगा ही ला लेना। अरे रात को तुझे लेने आऊंगा। चलो ए नाचना, मैं लोग के साथ और 10 मिनट भी और नहीं रुक पाऊंगी, अब जल्दी आओ। गुरु महाराज जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं और मेरा पूरा परिवार जिंदगी भर सत्संग की सेवा करना चाहते हैं जी, और बस चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद हमारे पर हमेशा बना रहे, बस इतनी सी इच्छा है जी। आपका बेटा नहीं आया? आज क्यों वक्त पर आएगा गुरुजी? आज बाप का बड़ा दिन था ना, मां का होता तो आ जाता। भैया थोड़ा धीरे चलाइए, कहीं ऐसा ना हो रब के आशीर्वाद के चक्कर में रब के पास ही पहुंच जाओ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है भैया। जिस मॉम पर जान कुर्बान है, उस मॉम को किया हुआ प्रॉमिस ही पूरा नहीं कर सका तो ऐसी जान का क्या फायदा। अब जी मैं आपके पास आ रही हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगी। सागर जय कपि सुति नरोकोचागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम भद्र। अरे घूम रहा है ना, नाच नाच।
तुझे। पापा जी आज तो बड़ा टफ वाला इम्तिहान ले रहे हो, पापा जी को नहीं मिलना होता ना तो बता दी इसको। देरी हो रही है, देरी हो रही है, वहाँ पापा जी को क्या हो रहा होगा क्या पता। जा रही हो? Excuse me, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? जब ये फटफटियां चलती रही है तुमसे तो सड़क पे लेके क्यों निकलती हो? शुक्र है रब्दा बच गई। कैसे कैसे लोग हैं यार। आगे देखिए गुरुजी। देखा, मैं ना कहती थी एक नंबर की चलाक लोमड़ी है, कैसे सारी बाजी पड़क के रखती इसने। मुझे तो अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहा, अगर वो लड़की किचन में थी तो भाभी ने उसको डिस्पेयर कैसे कर दिया। तेरा झुमका कहाँ है दूसरा? उससे आपा कहीं वहीं तो नहीं गिरा आई? मैनू की पता, फंस जाएंगे। हाँ माम। कहाँ पहुंचा बेटा? बस पहुंचा हूँ माम थोड़ी देर में। बेटा एक काम कर, तू सीधा घर जा, अब सत्संग भी पूरा हो गया है, वैसे भी यहाँ पे आज जो कुछ हुआ है वो तू देख नहीं पाता। क्या हुआ मॉम, कुछ हुआ है क्या वहाँ पर? पापा ने कुछ कहा आपसे? देखो मॉम मुझे बहुत टेंशन हो रही है, आप प्लीज बताओ क्या हो रहा है वहाँ पर। नहीं बेटा कुछ भी नहीं, तू सीधा घर पहुँच। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। सॉरी बेटा, मैं तुझे यहाँ बुलाने का रिस्क नहीं उठा सकती। यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसकी सच्चाई तुझ तक कभी नहीं पहुंचनी चाहिए। कला, कला पापा जी गए, वो सब छोड़ो, ये देखो, ये देखो, उन लोगों ने मेरा हाथ इतना जोर से मरोड़ा कि पूरा लाल पड़ गया। और पापा जी को तो वो लोग कहीं लेकर चले गए, और मैं तो उन्हें रोक नहीं पाई ना, मैं छुप कर बैठी हुई थी। अगर मैं छुप कर नहीं बैठती उनके सामने आ जाती तो वो मुझे भी लेकर चले जाते। और कला लेकर चले गए, तूने लेकर जाने दिया उन्हें, तो मैं और क्या करती? चल हाँ पापा को ढूंढ कर आते हैं, चल। अरे पर एक मिनट, मैं कैसे जा सकती हूँ? आपकी बात और है दीदी, पर मैं तो सुंदर हूँ ना, अगर मैं उनके हाथ लग गई तो मुझे नोच के खा जाएंगे। अब मेरी बात सुनो, मैं घर जाती हूँ, पापा जी को लेकर आराम से जाना। राम की भीख मांग रहा हूँ तुम लोग। अरे नाथ और दलील मत करो। क्या बंदा है, अरे बाजार बेइज्जती हो रही है, दे नहीं सकता तो घुमा के इनके। ओए छोड़ उसे। कौन है वे तू? तेरा बाप लगता है क्या? तेरा ना से। पर किसी का बाप तो है, पर तू शायद इसकी इज्जत को अपने बाप का माल समझ बैठा है। गले से फंदा निकाल और जाने दे से। तेरे गले में पहनूं? पहनेगा साड़ी? चल आज सर, मेरी बात मानिए, ये गांव के बहुत खतरनाक गुंडे, प्लीज यहाँ से निकलते हैं सर। बहुत हीरो बन रहा है ना, घूर किसे रहा है? पंजाबी
शराब के नशे में होश खोना छोड़ देंगे तो किसी की मेहरबानी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप जैसे शराबी ना खुद की इज्जत करना भूल जाते हैं। देखिए क्या हालत बना रखी है आपने अपनी। माना कि मेरे पापा जी मेरा शौक घोट होंगे, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बीच बाजार में बेइज्जत करने का ना तेरा कोई हक नहीं बनता। रुक जा पुत्र। कितने पैसे हुए तेरे? बोल बोल, अभी मारती हूँ तेरे मुंह पर। कहीं से भी ले आओगे लेकिन तेरे मुंह पे मारूंगी। लेकिन आइंदा से ना मेरे पापा जी को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। इंसान जताने के बदले जो गालियां दे, ऐसा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। खैर तुम्हारे शराबी बाप को देखकर तो पता चल ही रहा है कि इसने क्या ही संस्कार दिए होंगे तुम्हें। संस्कार की बातें ना तेरे जैसे आदमी के मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जिसने अपने बाप की उम्र के इंसान को साड़ी बनाकर नचाया हो। बहुत पैसे होंगे ना तेरे पास, बहुत ताकत भी होगी, लेकिन एक गल ना हमेशा याद रखी, रब की लाठी ना तेरा ये बल और तेरी ये ताकत ये दोनों से ना कहीं ज्यादा भारी है। किसी भी मजबूर इंसान का फायदा उठाने से पहले ना मेरी ये गल जरूर याद करना। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।